बिग बॉस 17 में यह पूरा हफ्ता फैमिली वीक और आयशा खान मुनव्वर फारूकी की लड़ाई से भरपूर रहा। जहां कई घरों से बाहर की बातें खुली तो वहीं कई कंटेस्टेंट की फैमिली ने दूसरे कंटेस्टेंट को आईना दिखाया। वहीं अब वीकेंड का वोर आ गया है जिसमें सलमान खान नहीं बल्कि करण जौहर घर वालों की क्लास लगाते हुए नजर आएंगे। इतना ही नहीं, मुनव्वर फारूकी और आयशा खान के मामले में भी एक कंटेस्टेंट को खरी खोटी सुनाई जाएगी। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर जरूर सबक कहते हुए नजर आएंगे। दरअसल अपकमिंग एपिसोड में प्रोमो में करण जौहर मुनव्वर फारूकी को बताते हैं कि ईशा ने कहा कि उसने कई लड़कियों का इस्तेमाल किया है और फेंक दिया है। आपने मुनव्वर के बारे में ये कहा है कि उसने कई लोगों को यूज एंड थ्रो किया है। जिस तरह का इंटरेस्ट आपने दिखाया है ना ईशा, मुनव्वर के बाहर की जिंदगी और पर्सनल जिंदगी में, वाकई में आपने भारत का दिल जीत लिया है। सर, इन दोनों से आपका क्या लेना देना है ईशा? What goes of yours? मुनव्वर ने भी अग्री किया कि ईशा, आपके रिश्ते इस घर में कौन से सीधे थे कि आप दूसरों के रिश्ते पर उंगली उठाओगी? नो सर, ईशा, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं इनोसेंस की एक्टिंग समझता हूँ और एक्चुअल इनोसेंस को भी समझता हूँ। इस पर ईशा के चेहरे का रंग उड़ता हुआ नजर आता है। प्रोमो देखने के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा किया करण जौहर ने, लेकिन अब प्रोमो के देखने के बाद आगे क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जेनी टाइम्स।